हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मिनी स्टूडियो एम्पलीफायर किट का ये वायरिंग करके बताएंगे, जो कि ये आपको 20 वाट का है और डुअल चैनल का है, तो सिंगल चैनल से 10 वाट आउटपुट करता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है। मैं इस किट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका नंबर है PAM8610, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको आप अंदर से आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास जो आप ये किट देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा है। मैं आपको स्केल से आपको माप कर दिखा देता हूँ कि कितना छोटा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 30 mm, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पे है इस साइड का 30 mm, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे 30 mm, और इस साइड से यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं 25 mm। बहुत ही छोटा ये किट है, बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। तो आज हम इसी के वायरिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आपको इसके डिटेल्स में आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बैक से कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, सामने ही है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये ग्राउंड है, ये वाला पिन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला पिन ग्राउंड है और ये DC, इसमें 12 वोल्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये ऑडियो आउटपुट का है, यहाँ पर राइट का माइनस और राइट का प्लस और लेफ्ट का माइनस, लेफ्ट का प्लस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इनपुट है जो कि लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड है, और ये स्विच का है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि स्पीकर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें आपको 4 ohm 10 watt का स्पीकर यूज करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका हम सिंपली इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बैक साइड से दोनों का स्पीकर का कनेक्शन कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट का स्पीकर का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे स्पीकर है, दो पीस यहाँ पे स्पीकर आप देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करेंगे। बहुत सारे वीडियो में आपको सिर्फ ऑक्स केबल से यहाँ पर आपको कनेक्ट करके बता दिया होगा, लेकिन दोस्तों हम इसमें आपको वॉल्यूम का भी कनेक्शन करके बताएँगे कि किस तरीके से इसमें आप वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इसमें जो पोटेंशियोमीटर लेंगे हम 47K का भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम 100K का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो रेड वाला आपका ये ऑक्स केबल का पिन है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने इस पिन में कुछ इस तरीका से कनेक्शन किया है। जैसा कि देख सकते हैं, ये साइड वाले में दोनों मैंने इनपुट दे दिया है, और यहाँ पर ग्राउंड एक दे दिया है, और बीच वाले से जो हम लेफ्ट राइट आउटपुट लेंगे और एक ग्राउंड ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर जैसा कि ये मैंने बीच वाला को ग्राउंड किया हुआ है और बाकी दोनों साइड वाले को लेफ्ट राइट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो 3 पिन बना हुआ है, ये लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड है। तो हम इसको सिंपली इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट का भी कनेक्शन कर लिया है। अब हम इसमें 12 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई देंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ये ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट प्लस है। तो इसमें हम 12 वोल्ट का कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सप्लाई का वायर जोड़ दिया है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको इसमें सप्लाई देते हैं और फिर इसका हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें एक LED लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉइस नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मेरा एम्पलीफायर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं।
और ये आईसी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, हल्का हल्का सा गर्म है। और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी दे रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। तो दोस्तों आप इस तरीका से इसका, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जैसा कि इसका जो पावर सप्लाई होता है वहाँ पे एक आप 1000 UF या 2200 UF का 16 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो साउंड क्वालिटी होगा आवाज़ बढ़ाने पर ये बंद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।